हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सांभर बनाने की रेसिपी बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही इजी है और घर में सांभर बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आप इस मेथड से अगर सांभर बनाते हो तो आप एक परफेक्ट सांभर बना पाओगे और सब लोग आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे, ये मैं बैठ के साथ कह सकती हूँ। तो चलिए बिना स्किप किए वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले मैंने 100 ग्राम धुली हुई तुअर दाल ले ली है, जिसे मैंने दो पानी से धो लिया, दो बार पानी से अच्छे से धो लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे सब्जियाँ डालूँगी। सब्जियों में सबसे पहले मैंने टमाटर डाले हैं, टमाटर मैंने दो टमाटर डाले हैं, एक मैंने प्याज कट करके डाला है बड़ा साइज़ का। मेरे पास कुछ फूल गोभी थी तो मैंने फूल गोभी डाल ली। कद्दू डाले यानी लौकी डाली है एक कटोरी, एक कटोरी मैंने इसमें आलू डाली है और एक कटोरी मैंने बैंगन डाली है। आपके पास जो भी सब्जी अवेलेबल है, सहजन है, तो वो भी आप डाल सकते हैं। मैंने थोड़ी सी इसमें गाजर भी डाली है। इसके बाद मैंने इसमें पानी डाला है, आप कोई सी भी सब्जी इस सांभर में ऐड कर सकते हो। इसके बाद मैंने जो सांभर मसाला बनाया था, मैं घर का बना हुआ सांभर मसाला इसमें डाल रही हूँ। मैं सांभर मसाला बनाने की रेसिपी ऊपर लिंक में दे दूँगी, वो आप देख लेना सांभर मसाला कैसे बनाते हैं। देखिए मैंने 3 चम्मच सांभर मसाला इसमें डाला है, 3 बड़े चम्मच, और थोड़े से कुछ और सांभर मसाला बचे हुए थे मैंने वो भी डाल दिए इसमें। और अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। सांभर मसाला घर में बनाना बहुत ही आसान है, इसकी मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैं वीडियो का लिंक ज़रूर आपको दे दूंगी, तो आप वीडियो से देख कर सांभर मसाला घर पर ही बना सकते हैं। ये काफ़ी आसान है और घर पर बना हुआ सांभर मसाला का टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। ऐसे पैकेट वाले भी अच्छे होते हैं, बट ये आपकी चॉइस है कि आप घर में बना कर डाल सकते हो या फिर बाहर का डालो। अब इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, इमली की प्यूरी डालेंगे। तो मैंने थोड़ी सी इमली की प्यूरी इसमें डाल दी है ताकि खटास अच्छे से आए। और इसके बाद मैं नमक डाल दे रही हूँ, नमक आप स्वाद अनुसार डालें। उसके बाद क्या करना है, हम इस सब चीज़ को मिला लेंगे अच्छे से, मिला के इसके बाद हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसे कम से कम 3 से 4 सीटी लगने तक पकने देंगे। 3 से 4 सीटी लग गई है, ये देखिए हमारे सांभर बन के तैयार हो चुके हैं। से अच्छे से पहले एक बार मिला ले अच्छे से पलटा से, देखिए कितनी अच्छी हमारी सांभर बनी है। और मैं ये कह सकती हूँ ये टेस्ट में काफ़ी अच्छे होते हैं, बाहर के जो सांभर हम होटल से लाते हैं उससे तो काफ़ी अच्छे रहते हैं। इसके बाद हम इसमें छौंक लगाएंगे। छौंक लगाने के लिए मैंने 1 चम्मच तेल डाला है, मेरे पास राई नहीं थी तो मैंने सरसों डाल दिया, हींग थोड़ी सी डाली है चुटकी भर, 2 सूखे लाल मिर्च मैंने ऐड किए और कुछ कड़ी पत्ते मैंने इसमें ऐड किए। इसे अच्छे से चटका लेंगे, बिल्कुल अच्छे से फ्लेवर जब आ जाए, और इसके बाद इसको सांभर में हम डाल देंगे। ये देखिए इसे आप, एक चीज़ जान लीजिए, इसे आप चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, डोसा के साथ खा सकते हैं, इडली के साथ खा सकते हैं, बड़े के साथ खा सकते हैं। सांभर आप ऐसे भी खा सकते हो यार, बहुत टेस्टी होती है। मैंने इडली बनाया था, मैं इडली के साथ इसे सर्व कर रही हूँ। ये देखिए, वाह, थैंक यू।